राजातालाब पुलिस ने चोरी की घटना में लिप्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मैं थाना राजातालाब की पुलिस ने बहुत ही सफल अनावरण किया एक घटना का। घटना ये थी कि 5 अगस्त की रात को राजातालाब तहसील के सामने ही एक ट्रैक्टर और ट्रॉली खड़े हुए थे, जिसमें एक कुछ ड्रम तार के थे, केबल के थे, ABC केबल के थे। तो वो रात में चोरी हो गए थे, तो उसके संदर्भ में थाना राजातालाब की पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया और कल रात में उसने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली है वो उसकी बरामदगी हुई और दो ड्रम ABC केबल है उसकी बरामदगी हुई थी। और घटना में प्रयुक्त एक लोडर मैजिक थी तो वो भी बरामद की गई और एक मोटरसाइकिल की भी बरामद की गई। तो लगभग जो बरामदगी है उसका कुल कीमत लगभग 24 लाख रुपये आ रही है। इस घटना का जब पता किया गया तो इसमें टोटल 4 अभियुक्त थे, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनका नाम क्रमशः विकास यादव और विशाल विश्वकर्मा है। ये दोनों ही जो अभियुक्त हैं थाना औरई जनपद भदोही के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच की है। इन सभी को कल रात में लगभग 11 से 12 के बीच में गिरफ्तार किया गया था और इनको वीरभानपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया था। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये टोटल 4 लोग हैं, तो 4 लोग अपने ग्रुप बना के हाईवे पर जाकर रेकी करते हैं कि कौन सा ऐसा भारी वाहन है जिसमें सरकारी संपत्ति या अन्य कोई ऐसी संपत्ति जो कीमती हो उसकी रेकी करते हैं और फिर रात में जाकर उनको चोरी का कार्य करते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये वर्कआउट हुआ है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो अभियुक्त वांछित हैं तो उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी। क्या इनके खिलाफ और मुकदमा था, इसके पहले आपराधिक प्रवृत्ति के किया था सर? चारों हैं क्या इनके? हाँ, एक मुकदमा इनके विरुद्ध 117/24 है, 379 चुनार। और टीम टीम को इसके लिए कुछ इनाम? इसके लिए मैं जो टीम है उसको 5,000 रुपये की इनामी घोषणा करता हूँ। जी धन्यवाद।